देश की नई संसद लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रही है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लॉन्च, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। टीवी 9 के कैमरे पर नए संसद भवन की पूरी तस्वीर। कांग्रेस की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य देशवासियों में प्रेम और एक दूसरे के प्रति भाईचारे को बढ़ाना है। इस कारण कांग्रेस ने इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया है। इसी सिलसिले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कन्याकुमारी पहुँचे हैं। राहुल गांधी के कन्याकुमारी पहुँचने पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आज सचिन पायलट का जन्मदिन है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के कारण 6 सितंबर को ही पायलट समर्थकों ने जयपुर में सचिन पायलट का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मगर इस सेलिब्रेशन को पायलट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। हर साल पायलट का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रदेश भर से लाखों समर्थक जयपुर पहुँचे और सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार सुबह देश के 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इसमें राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों का भी नाम सामने आया है। मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी हुई। यादव ने कहा कि हमारा मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं है। RLP के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। युवक भीड़ के बीच सेल्फी ले रहा था, तभी धक्का मुक्की से वह नाराज हो गए। बेनीवाल ने युवक को थप्पड़ मार दिया और फिर उसे गले लगाकर पुचकारने लगे। इसे लेकर बेनीवाल को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ये घटना नागौर जिले के खरनाल में तेजादशमी के मेले की बताई जा रही है, जहां बेनीवाल तेजादशमी मेले के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 6 दिवसीय संसदीय क्षेत्र दौरा। कैंप कार्यालय शक्तिनगर पर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़। दौरे के दूसरे दिन कैंप कार्यालय शक्तिनगर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रखा जन सुनवाई का कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास फरियाद लेकर पहुँच रहे हैं संसदीय क्षेत्र के लोग। आज दिन भर चला जन सुनवाई का दौर। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में गुजरात के चुनाव प्रभारी रघु शर्मा को SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक फिस्टुला के दर्द के कारण परेशानी हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें, रघु शर्मा को पहले भी इसी बीमारी के चलते अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े थे। पायलट को CM बनाने की मांग लगातार उठ रही है। SC राज्य आयोग खिलाड़ी लाल बैरवा ने तीसरी बार पायलट को CM बनाने की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान में पायलट के बराबर कोई चेहरा नहीं है। CM अशोक गहलोत की डिमांड अब दिल्ली में है। हंगामा करने वाले शिक्षक के समर्थन में उतरे विधायक वाजिब अली। शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने किया था विरोध। विधायक वाजिब अली ने कहा, राजस्थान में उर्दू शिक्षा के हालात खराब हो चुके हैं। नई भर्तियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं मिल रही हैं। शिक्षा विभाग इन पर काम करने की बजाय तबादलों में लगा हुआ है, जो पूरी तरह से गलत है। जल्द से जल्द उर्दू शिक्षकों की वाजिब मांगों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही अमीन कायम खाने का ट्रांसफर भी रद्द किया जाए।